अपनी राजनीति दखल करना हो। और मैं तो मानता हूँ कि जो आपका समाज है उसे मैं अपने अपने शब्दों में कहता हूँ कि एक तो हम लोग एससी है शेड्यूल कास्ट है और आपका समाज एससी है स्टेट कास्ट है। परवर्ती में बोलता हूँ कि स्टेट कास्ट बिहार का है, ये स्टेट कास्ट का प्रॉब्लम है बिहार, मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम में दोनों है, दोनों एससी प्रॉब्लम है। एक तो ये दोनों एससी एक हो जाए इस बात की आवश्यकता है, एक एससी किसान है एक एससी मजदूर है इस बात की आवश्यकता है। मित्रों राज्य में पॉलिटिकल कई तरह के बदलाव हो रहे हैं, इस चुनाव ने भी कई चीज का संकेत दिया है। तो इस चुनाव के बड़े आभारी है कि चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण को रोक दिया है। मैं जिस दल में हूँ उस दल में तो लोगों को बहुत अच्छा या खराब लगेगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण को रोका है इससे चुनाव ने। दूसरा जातीय जुटान नए ढंग से हुआ है, इसे करना चाहिए हम लोगों। जाति इस देश में यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समर्थ है। जब भी हम देखते हैं स्वामी जी को तो स्वामी जी में किसानियत है, स्वामी जी में इंसानियत है, स्वामी जी में हिंदुयत है, ये सब दिखाई पड़ता है। किसी एक व्यक्ति में दिखाई पड़ता अगर है कई बातें तो स्वामी सजानंद दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि स्वामी जी बड़ा रोल मॉडल हम लोग के हो सकते हैं। लेकिन आप सबसे आग्रह होगा, अभी जो चुनाव भाई अरुण जी लड़के आए, अरुण जी ने हिम्मत किया, एक लड़ाई लड़ा उन्होंने जहानाबाद की धरती पर। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के इन कार्यक्रम सब के साथ साथ भी एक राजनीतिक मंथन भी हो, कम ही लोगों का हो, पहले 100 लोग करें फिर 500 लोग करें 5000 लोग करें। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है। और मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं कर, इस बार अगर हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते बीजेपी जीरो पे आउट हो जाता है, ये कहने में थोड़ा भी लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में तेजस्वी के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जातियों का जुटान हो रहा है और एक बहुत गुप्त रूप से एक ताकत बन रही है जो प्रशांत किशोर का ताकत है। प्रशांत किशोर जी का जिस ढंग से ताकत बढ़ रहा है मित्रों आपको अंदाज नहीं होगा। आप वो हम लोगों से जो महीने तो मेरे पास कोई दोस्त मिलने आ रहा है तो कहता है कि हम तो आज तुम क्या कर रहे हो पार्टी में, क्या जीवाड़ी तुम हुआ भाई, तो कह रहा है कि पार्टी में जीवाड़ी क्या, हम टीके के साथ हो गए हैं। ये हम लोग के लोग बोल रहे हैं जो साथे हम लोग भाजपा में रहे जदयू में रहे, तो कह रहे कि साहब हम साथे हो गए। मैं इसलिए पार्टी से बात कर रहा हूँ मित्रों कि हम लोग मुख्य पॉलिटिकल लोग हैं और सवाल में ही जवाब है। जो आप खोज रहे हैं जो चीजों का चीज, हमें सम्मान चाहिए, समृद्धि चाहिए, भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, ये पॉलिटिक्स क्यों संभव है, क्योंकि ये युग जो है ये राज युग है। इस राज युग में और हम लोग राजनीति के क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि आप मान लें कि सब जो महाराष्ट्र गुजरात है ये सामाजिक क्षेत्र का इलाका रहा, राजनीतिक क्षेत्र का इलाका तो बिहार यूपी और बंगाल और पाकिस्तान। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप किए बिना सामाजिक बदलाव बिहार जैसे राज्य में नहीं होने वाला। और हम सब जानते हैं कि